Hello children, how are you? I hope you all will be fine. Today we will learn how to frame question with sentences. We know sentence is divided into two parts, subject and predicate. So here we start to frame the questions. Suppose a sentence is given. Rani is going to school. Here this sentence is divided into two parts, subject and predicate. Rani is subject. Is यहाँ predicate में क्या है? Helping verb है और main verb है. So is helping verb and going is main verb. So to make the sentence, formulation is subject, helping verb, main verb and object. यानी कि पहले subject आएगा, फिर helping verb, फिर main verb and then ऑब्जेक्ट. बट टू फ्रेम द क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चंस बनाने के लिए पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. रानी इज गोइंग टू स्कूल, दिस इज स्टेटमेंट. टू कन्वर्ट इट इन टू क्वेश्चंस, फर्स्ट वी विल राइट इज, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट रानी, मेन वर्ब गोइंग एंड रिमेनिंग पोर्शन टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट. सो इज रानी गोइंग टू स्कूल. सो ये सेंटेंस जो हमने क्वेश्चन बनाया है उसके लिए फॉर्मुलेशन क्या है? हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर टेकिंग अनादर एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल. सो हियर दे आर प्लेइंग फुटबॉल. So to make the question, we will start again with helping verb are, then subject they, main verb playing and remaining object football. Are they playing football? And end it with question mark. Another example, I am writing a letter. Am I writing a letter? So how we frame the question? हमने क्या किया है इसमें? पहले helping verb, फिर subject, फिर मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. सो दिस इज द वे टू फ्रेम द सेंटेंसेस इनटू क्वेश्चंस. एंड रिमेम्बर वन मोर थिंग, जब भी हम सेंटेंस से क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है एंड वी आर मेकिंग द क्वेश्चंस. सो एंड में हमारा क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क.